खबर भोपाल से आ रही है, जहां कोरोना टेस्टिंग में धांधली का मामला सामने आया है। भोपाल में कोरोना टेस्टिंग में धांधली हुई है। एक ही मोबाइल नंबर से कई टेस्ट हुए हैं, कई लोगों के एक जैसे ही नंबर वालों की रिपोर्ट भी एक जैसे नंबर वालों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ये बहुत बड़ी धांधली है। एक जैसे नंबर वालों की रिपोर्ट भी एक ही है, तो धांधली का ये मामला भोपाल से सामने आ रहा है और ये बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी में। ये बड़ा फर्जीवाड़ा और ये फर्जीवाड़ा कोरोना टेस्टिंग में हुआ है। कोरोना टेस्टिंग में धांधली हुई है। एक ही मोबाइल नंबर से कई सारे टेस्ट उसमें लिखे गए थे, कई लोगों के एक जैसे नंबर हैं और एक जैसे नंबर वाली रिपोर्ट भी एक जैसी ही है। भोपाल में कैसे आखिर ये कोरोना टेस्टिंग का फर्जीवाड़ा हुआ, आइए आपको दिखाते हैं न्यूज नेशन संवाददाता शुभम गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिवराज सरकार ये दावा कर रही है कि हम रोज़ाना ही 7 से 8 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं, मगर एक आंकड़ा हमारे सामने आया है जिसमें ये चीज़ निकल कर आई है कि जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें कॉन्टेक्ट नंबर इन तमाम लोगों का एक ही है। और सबसे ताज्जुब करने वाली बात यह है कि इन सारे लोगों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, और ऐसा एक नहीं बल्कि ऐसे कई लोग हैं। ये तमाम जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसमें सभी के मोबाइल नंबर एक हैं, नाम अलग अलग हैं, उम्र अलग हैं और रिपोर्ट जो है वो सभी की एक है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इतने सारे लोगों का टेस्ट किया जाए और उसके बाद जो है उनकी रिपोर्ट इस तरह से नेगेटिव आई। तो हम इन तमाम लोगों को कॉल करते हैं, चूँकि हमारे पास 5-6 नंबर हैं जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या होता है। तो पहला नंबर हम इसमें से लगाते हैं जिसमें क्या निकल कर आता है, देखिए हम इस नंबर पर सबसे पहले ट्राई करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर नाम हमारे पास कहीं है, भोपाल स्टेशन इसमें लिखा हुआ है, फोन लगा है। दूसरा नंबर बंद है, एक नंबर पर हमने लगाया, ये उठाया नहीं। अब हम अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, इस नंबर पर कॉल करते हैं, इसमें भी चलिए इस पर रिंग जा रही है। हेलो, हाँ जी, आप कौन बात कर रहे हैं? नहीं, दरअसल मैं शुभम गुप्ता बात कर रहा था न्यूज़ नेशन से। हेलो, देखिए इस तरह से ये कॉल डिसकनेक्ट हुआ जैसे ही हमने हमारा परिचय दिया। तो ये चीज़ें देखिए आप कि इस तरह से हम जब तमाम लोगों को कॉल कर रहे हैं तो इसमें से 3 से 4 नंबर तो लगे ही नहीं। एक नंबर लगा जिसमें किसी लड़की ने कॉल उठाया, और इस नंबर पर मैं आपको बताऊँ कि कितने सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं। गुरदीप सिंह, समर कुशवाहा, नीलेश कुमार, रितेश भाटिया, सोनू, शंकर, मोहम्मद आबिद, जगदीश, ऐसे कई लोगों के जो हैं नाम लिखे हुए हैं। तो इसमें एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि आखिरकार एक ही नंबर पर इतने सारे लोगों के नाम, और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे लोगों का जब टेस्ट किया गया तो किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई, सभी की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ नेशन, भोपाल। और शुभम गुप्ता खुद इस वक्त हमारे साथ फोन सीधे लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से, सीधे उनका रुख करते हैं। शुभम, जरा बताइए ये फर्जीवाड़ा कैसे हुआ और ये लोग कौन थे, नंबर किसके डाले गए और अभी क्या जांच की बात की जा रही है?
देखिए ज्योति, मध्य प्रदेश में सरकार लगातार दावा कर रही है, राजधानी की आप बात करें कि 6-7 हज़ार हम टेस्ट रोज़ाना करते हैं, जिसमें से 100-150 लोगों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आती है। अब जो लिस्ट हमारे पास आई है, जो सूची है, उसमें आप देखिए कि 50 लोगों का टेस्ट हुआ है, उनका नंबर एक ही है, और एक नहीं बल्कि ऐसे 5 से 6 नंबर है। इसके अलावा दूसरी ताजुब करने वाली बात इसमें यह है कि सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती, उससे संपर्क करना होता तो 50 लोगों का एक ही नंबर है, इस तरह से 500 लोग हो गए हैं। तो ये थोड़ी सी ताजुब करने वाली बात है। इस बारे में हमने भोपाल के कोविड प्रभारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि यह एंटीजन टेस्ट है और इस टेस्ट में अगर कोई ग्रुप है वहाँ पर तो एक ही शख्स का जो है नंबर इसमें लिखा जाता है, नोट किया जाता है, या रेलवे स्टेशन पर कोई फैमिली जा रही है तो उसका नंबर जो है नोट किया जाता है, तो इस तरह की बातचीत की जा रही है। दूसरा सीएमएचओ का जो बयान था, ठीक है, बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता दे रहे हैं कि इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने टेस्टिंग में घपले की बात से इनकार किया है और इसे विपक्ष की साजिश करार दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार 6 से 7 हज़ार प्रतिदिन कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, मगर कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसमें कई लोगों का एक ही कॉन्टेक्ट नंबर सामने आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हैं। सर, एक जो डॉक्यूमेंट आए कुछ, उसमें सभी के कॉन्टेक्ट नंबर एक जैसे ही हैं, रिपोर्ट भी सबके क्या है? एक ही डॉक्यूमेंट देखा जो कल जिला प्रशासन ने, कलेक्टर ने उसका खंडन किया, वो नहीं देखा? दिक्कत आपकी है, गलती आपकी है, आपको दोनों डॉक्यूमेंट देखना थे और उस खंडन में पूरी चीज़ें इंगित हैं, उसमें इस बात को बताया गया है कि ये बिना तथ्य की कांग्रेस आरोप लगा रही है, इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। और स्टेशन पर बहुत बार जब रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है तो परिवार का होता है तो एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिखाता है, यदि ग्रुप का होता है तो एक व्यक्ति का लिखाता है, और जिन नंबरों का वहाँ जिक्र है उनका तो 8 दिन से कोई टेस्टिंग ही नहीं हुई। केवल कांग्रेस भ्रामक प्रचार कर रही है। मुझे लगता है आप खंडन भी यदि देख लेंगे तो उसमें सब चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। आज से भोपाल भी अनलॉक हुआ है, जिम खुलने जा रहे हैं, मॉल खुलने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियाँ रहे? देखिए, अब धीरे धीरे सभी कुछ कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हुआ है। एक सेगमेंट बचा था जिम और रेस्टोरा, ये भी कल से खोल दिए गए हैं, मॉल आज से खुल जाएंगे, कल निर्णय लिया है। बस यही अनुरोध है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। बहुत सारे देशों में थर्ड वेव आ गई है, यूके में आ गई, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी शुरू करना है, इसलिए शुरू किया है। पर सबसे निवेदन यही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और